उत्तर प्रदेश शहर के ब्रिजगंज आर्मी कंपोनेंट में करोड़ों का काम कर रही मुख्य भूमि की कंपनी एमसीएल ने हाल ही में इसके सभी स्थानीय महिला श्रमिकों को काम से निकाल दिया और क्रिसमस और नए साल के मौके पर करीब 25 से 30 महिलाओं को बेरोजगार कर दिया गया। काम से निकाले जाने पर ये महिलाएं कल प्रातरापुरा स्थित आम आदमी के दफ्तर पहुंची और आम आदमी पार्टी के द्वीपों के इंचार्ज संजय मिश्रा को इस बात की जानकारी दी। नेशनल लाइव से बात हुए लोकल महिला श्रमिकों ने बताया कि उन्हें अब तक पैसे भी कंपनी ने नहीं दिए। उन्होंने बताया कि इस तरह अचानक काम से निकाल देने से वो अपना घर कैसे चलाएंगे। आम आदमी पार्टी के द्वीप के इंचार्ज संजय मिश्रा ने नेशनल लाइव से बात करते हुए कहा कि महिलाओं को काम से निकालने से पहले कम से कम थोड़ा वक्त देना चाहिए था ताकि वो कहीं और काम देख ले। जानकारी के अनुसार इन सभी महिलाओं ने कल इस सिलसिले में श्रम आयुक्त से मुलाकात की जहां भी उन्हें कोई आश्वासन नहीं दिया गया। हम लोगों को सब कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वहाँ पे हम लोग कल जब गए थे कमान में तब मेरा एक नानी है उसको शाम में बोला कमान में नहीं आना, तो इसीलिए हम लोग वहाँ में हम आज सुबह हम लोग गए थे कमान में। क्यों हमको एकला में हम लोग दो ही जन में क्यों बोलेगा आपको, तो हम लोग एक जन लेने के लिए सुबह से गए थे काम में, तो सभी गोई को पहले रोज दुराता नहीं करेगा बोल के, तो इस तरह में हम लोग को इसलिए हम लोग सभी बैठे हुए तब वहाँ से तब हम लोग सब मिल के बोला नहीं आना मौका लगा। फिर हम लोग को पेमेंट का बात करा तो पेमेंट बोले देगी और उसका बाद में बोला काम में नहीं आना, तो हम लोग पेमेंट देने से पेमेंट होता देगा, हम लोग को खाना है कमाई कर देगा नहीं तो हम लोग खाएंगे क्या, कमान से हम लोग को जरूर आता है वही चीज हम लोग को नहीं मिलेगा तो सर हम लोग कहाँ जाएंगे कमाने के लिए, सर हम लोग को नहीं पता वही कारण हम लोग पूछने के लिए गए थे लेकिन नहीं बोला काम दिया कल हम लोग को ये लोग को तो 4 बजे बताया, हम लोग को शाम को 5 बजे बताइए, 5 बजे बताइए हम लोग को हमें पैसा नहीं था, किसी को हम लोग फोन करके बताने नहीं सका। फिर सुबह सबसे काम किया, काम जाने के बाद में हम लोग को बोला कि लोकल वाला को काम नहीं देंगे तुम लोग रुको ही ऐसी बोला, फिर हम लोग रुक दिया, रुक के एक साथ होकर ऑफिस गए, ऑफिस जाके बात करे वो लोग बोलता हम लोग हम नहीं है हम लोग का पास नहीं, और जो लोग बंगाली लोग है वो लोग को कंपनी लेके आया है कंपनी काम कराता है। हमारा ये कि हमारे पास में आए लोग सुबह से बैठे हैं, आने के बाद में इनको बोले कि ये लोग कोई एक साल से कोई डेढ़ साल से इस तरह काम कर रहे हैं, तो इनको अचानक से निकाल दिया गया। तो हम चाहते हैं कि जो कंपनी में काम करते थे वो लोग थोड़ा सा टाइम दें इनको, और जो इनका पेमेंट है बकाया वो भी दे दें, और इनका जो है ईपीएफ भी कटता नहीं था सुनने में आया, तो ईपीएफ भी कटना था वो नहीं कटा, खैर वो दूसरा जांच की विचार है, पर इनको जो है थोड़ा सा काम में इनको लेना है। और इनका एक बहुत अच्छा सुझाव था ताकि वो भी हम लोग उसके बारे में भी सोचे नहीं है, इन लोगों का ये सुझाव था कि पूरा गवान में कहीं भी कोई भी तरह का बड़ा प्रोजेक्ट होता हो उसमें हमारे द्वीप समूह के लोग हमारे बेरोजगार लोग जितने हैं वो इसमें काम करें, चाहे वो स्किल्ड हो चाहे अनस्किल्ड हो। तो ये इनका बहुत अच्छा एक मांग है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट इतना समस्या इतना ज्यादा बढ़ गया है, आप तो देखते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट का समस्या इतना ज्यादा है, तो मैं चाहूंगा जो बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट है अभी आने वाला टाइम में हेल्प हो रहा है उसमें हमारे लोगों को लेना चाहिए, हमारे द्वीप समूह का लोगों को लेना चाहिए।